आखिर की मृत्यु के बाद सूर्य पुत्र कर्ण की आत्मा पांडव से मिलने आई थी। आखिर महाभारत युद्ध के 16 वर्ष के बाद कैसे महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धा पुनः जीवित हो गए, आखिर कैसे उनकी आत्मा स्वर्ग से धरती पर आ गई। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। सूर्य पुत्र कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, बर्बरिक जैसे सभी योद्धा अकेले ही पांडवों की सेना को हराने का सामर्थ्य रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से इन सभी महान योद्धाओं की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो सूर्य पुत्र कर्ण, भीष्म पितामह के साथ सभी महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धा पुनः जीवित होकर पांडव और अपने परिवार वालों से मिलने आए थे। बात है महाभारत युद्ध के 16 वर्ष बाद की। गंधारी, कुंती और धृतराष्ट्र ये संन्यास ले चुके थे और वन में सभी एक साथ विहार कर रहे थे। एक बार पांडव को अपनी माँ कुंती की चिंता हुई, उनको अपनी माँ कुंती की यादें सता रही थी, इसीलिए एक दिन सभी पांडव उनसे मिलने आए। जब पांडव कुंती से मिलने आए तब वहाँ पर महर्षि वेदव्यास कुछ ऋषियों के साथ आए हुए थे। पांडव, धृतराष्ट्र, ऋषि वेदव्यास, कुंती, सुभद्रा, गंधारी और द्रौपदी बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा करने लगे। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से बोले, महाराज आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है उससे मैं जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों की शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गंधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा भरा रहता है उसको मैं भली भांति जानता हूँ। मैं इससे अनजान नहीं हूँ, मैं आप सभी के समस्याओं को जानता हूँ। तो आज मैं आप सभी से बोलता हूँ, मांगिए, आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हैं। धृतराष्ट्र बड़े थे तो ऐसे में धृतराष्ट्र ने कहा कि वह महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को पुनः एक रात के लिए जीवित देखना चाहते हैं, ताकि सभी लोग अपने अपने मरे हुए सदस्य से एक बार दोबारा मिल सके और जो भी इच्छाएं हैं वो उनसे बात करके दूर कर सके। वेद व्यास जी ने कहा, गंधारी, कुंती, द्रौपदी, धृतराष्ट्र, पांडव सभी लोग अपने मरे हुए पुत्रों, भाइयों, मित्रों को आज रात देख पाएंगे। हालांकि ऐसा कर पाना वेद व्यास जी के लिए भी बड़ी मुश्किल का कार्य था और सभी को उन्होंने नदी के किनारे बुला लिया। जब रात होने को आई तब वे लोग वेद व्यास जी के बताए गए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग समय पर आ गए, जिसके बाद वेद व्यास जी ने जल में प्रवेश कर कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया, जिसके बाद भीष्म पितामह, गुरु द्रोण आदि सभी राजा सेना के साथ वहां प्रकट हुए। द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच के साथ आदि सभी लोग जल में प्रकट हुए। सूर्य पुत्र कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र के सभी मरे हुए पुत्र वापस जल से बाहर निकले। उनके साथ ही महाभारत युद्ध में मारे गए और वीरगति को प्राप्त सभी योद्धा वापस जीवित हुए। जैसे ही पांडव ने अपने भाई सूर्य पुत्र कर्ण को देखा तो सभी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, लेकिन उस समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर आए और उन्हें बड़े भाई जैसा प्रेम भी दिया। इसके बाद अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र द्रौपदी और सुभद्रा से मिले, वो सभी भी बहुत खुश हुए। वही दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गंधारी अपने सभी पुत्रों से मिले। वेद व्यास जी के तपोबल के भक्ति को देखकर सभी प्रसन्न हुए। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे महाभारत का युद्ध कोई हुआ ही नहीं था और इस तरह एक रात के लिए सभी मरे हुए योद्धा पुनः जीवित हुए। उनमें से एक सूर्य पुत्र कर्ण भी थे जो अपनी माता कुंती और पांडव से मिले। तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने अपने तपोबल के कारण महाभारत में मारे गए सभी योद्धा को पुनः जीवित किया था। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा।